Let's start, guys. शुरू करें. Good afternoon, everyone. क्या हाल चाल? सभी ठीक है? Okay. रिविजन वगैरह किया होगा? Yes, थोड़ा बहुत रिविजन किया होगा. Good afternoon, श्रद्धा. Okay, रिविजन किया या नहीं किया? Good, 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 good. बहुत से लोगों ने रिविजन किया. अच्छा, थोड़ा सा मतलब याद दिला दो. What was the thing we have done last class? What was the last class part we have done? Yeah. Siddesh, good job. Shivangi, Sanjeevni, good job. Okay. Mole formula. और second law. कितने laws किए थे? कितने laws किए थे? दो laws किए थे. Okay, श्रेया. Okay. चलो. तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मास्टर क्लास की प्रथा है कि हम रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देते हैं. ओके, सो रिवीजन करते हैं, फिर फर्स्ट लॉ से वापस रिवाइज करते हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ लॉ पे. ओके. फर्स्ट एंड सेकंड मेथड. ओके, कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे. Yes, law of conservation. Yes. Very good. So, याद है मैंने दो तरीके बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. Anyone? दो तरीके बताए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. या am I audible clearly? आवाज क्लियर है मेरा? या great. So. हाँ, यूनिटी मेथड एंड मोल रेशियो फॉर्मूला. याद है मैंने बताया था यूनिटरी मेथड एंड मोल रेशियो फॉर्मूला. यस. वेरी गुड. क्या बात है यार, क्या याददाश्त एकदम. सभी लोग एकदम सुपर ब्रेन वाले हैं, सुपर पावर वाले. मोल रेशियो एंड यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. वापिस मोल के टर्म से शुरू करते हैं. तो मोल होता है, मैं बोलता हूँ, यू गो ऑन, मतलब करेक्टिंग, मतलब ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आंसर देते जाओ. ग्रेट. मुझे बताओ, तो एक बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सरल सा सवाल है कि मोल ये टर्म है क्या? व्हाट एग्जैक्टली मोल टर्म स्टैंड्स, क्या होता है? कम ऑन एवरीवन, मोल क्या है एग्जैक्टली? क्वांटिटी. One mole is Avogadro number of atoms, true or false? One mole is Avogadro number of molecules, true or false? Yes, one mole is Avogadro number of atoms, one mole is Avogadro number of molecules, yes? True. Yes, very good. वैसे छोटा सा quick revision करते हैं. मुझे बताओ, एकदम basic, पहले class का, पहले lecture का, what is the difference between AMU and gram? What is the difference between AMU and gram? AMU और gram में difference क्या है? AMU is mass of one single atom. Very good. Om Shinde, correct. And gram is mass of one mole of atom. AMU is mass of one single atom. और mole is, मतलब gram is mass of one mole. क्या बात है? तूफान एकदम. Very good. बहुत लजीज. Very good. उसके बाद हम लोगों ने कुछ तीन तरह के एटॉमिक मास किए थे. रिलेटिव एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास. क्या फर्क क्या है इन दोनों में? व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? व्हाट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? जल्दी. No unit is relative atomic mass. After that, yeah, correct. Absolute atomic mass in AMU and gram atomic mass. Gram atom word का मतलब क्या है? जल्दी. All intelligent brains, come on. वेरी गुड. ग्राम एटम का मतलब है मोल. क्या बात है, ग्राम एटम का मतलब है मोल. वेरी गुड. ग्राम एटम का मतलब होता है मोल. वेरी गुड. क्या बात,
उसके बाद सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला. हाँ, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. सेकंड था गिवन, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. क्या बात है, क्या बात है. गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. Given number of molecules upon Avogadro number of molecules. क्या बात है भाई, क्या बात है. आज सब च्यवनप्राश खाके आए हैं, बादाम खाके आए हैं. किसी का क्या डाउट था, डेंट अंडरस्टैंड क्या नहीं अंडरस्टैंड. सूची या ओके. सो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं. पहला फॉर्मूला क्या किया था हम लोगों ने, एटम्स के लिए था. गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, बराबर. पहला क्या था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, वेरी गुड. दूसरा, याद आया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. या वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात है, एकदम इंटेलिजेंट लोग है. एन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वॉल्यूम. स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना लेने बोला था, याद है. मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट पे करेक्शन कराया था, याद है, कि एसटीपी एनटीपी पे कुछ तो कराया था, याद है. या श्रुति करेक्ट, या ओम करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. कितना लिया था, एसटीपी बोला तो 22.7 डीएमक्यू, 22.7 डीएमक्यू. इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर. या सूची, यू अंडरस्टूड. सूची, यू आर देयर बेटा. सूची अमन साहब आ गए सारे फॉर्मूले के साथ. ओके, फोर्थ फॉर्मूला. खैर ये फोर्थ था, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं. नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन व्हाट, अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल. क्लियर, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर बच्चा लोग. या क्लियर एवरीवन, जल्दी. ऑल इंटेलिजेंट पीपल, कम ऑन. यस, वेरी गुड. चारों फॉर्मूले हो गए. या हम लोगों ने तो आई थिंक इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे. Yeah, we have done some questions, right? Okay. So, given number of atoms, molecules upon Avogadro number of atoms or molecule, given volume upon standard volume, given mass upon molecular mass. Yeah, एक मोल का मास. Yeah, मैं है. Correct. Molar मतलब एक मोल. एक मोल. Okay. आगे बढ़े बच्चों. उसके बाद अभी हम लोग अपने मेन और एक सेक्शन पे आ जाते हैं, जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्या बात है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बट चलो, विच वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला, आई विल एक्सप्लेन. अमितोष, मैं सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा, अगेन. ओके, या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला, श्रेयस, दैट्स करेक्ट. द फर्स्ट लॉ वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अच्छा, मुझे ये लॉ ने एक बेसिक चीज सिखा दिया. डेफिनेशन बहुत अच्छी बात है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ब्ला ब्ला ब्ला. याद है सब,
Yes, mass of reactant, Mahek, very good. Mass of reactant equal to mass of product. Mass of reactant, क्या बात है, क्या बात है. आज आज सब लोग एकदम ब्रेन को चका चक करके आए भाई लेक्चर में. इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड. यस धनंजय, ये मुझे आंसर एक्सपेक्टेड था कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने ये सिखा दिया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें ये सिखा दिया that equation should be balanced, yes or no? Law of conservation of mass ने हमें ये सिखा दिया that equation should be balanced, true or false? Equation should be balanced, true or false? Yes, yes, understood, understood? Yeah, very good. बिना balancing के क्या हम unitary method, mole ratio ये apply कर सकते हैं? ना जी ना, बिल्कुल ना करे, वरना यू विल बी इन ट्रबल. बिना बैलेंस किए किसी भी रिएक्शन में जाना नहीं है. बिना रिएक्शन किए किसी के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना नहीं है. या नहीं तो क्या होगा, या अमन दैट्स करेक्ट, नहीं तो क्या होगा कि अपनी बैंड बच जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है, और उसकी आवाज सिर्फ अपने को ही सुनाई देगी. तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन या अद्वय, दैट्स करेक्ट, एकदम एकदम जबरदस्त लगेगा. चलो उसके बाद आया, नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. समझा, इक्वेशन बताओ या समझ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गया. या वेरी गुड. सो कोई भी रिएक्शन देंगे उसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे. ओके, या सूची, यू अंडरस्टूड बेटा? यू हैड सम डाउट, समझ में आया? हाँ, इक्वेशन में बता देता. ओके सूची, अभी सूची, व्हाट वाज द इक्वेशन बेटा? कि अगर मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट इट इज, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ये कौन कहता है? Yes, yeah. So law of conservation of mass. Now think carefully and tell me, kya total mass of reactant or product equal hai? Suchi, you answer, beta. You try to answer. Ab baki log bhi of course answer de sakte. No, ye equal nahi hai. That's correct. Yani yaha pe carbon 12 gram hai, methane 16 gram hota hai. Agar main isko 2 gram likh do, to 12 plus 2 to 14 ho gaya, bhai. Galat ho gaya. तो अपने को यहाँ पे इसको 2 लिखना पड़ेगा, सो दैट ये हो जाए 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ग्राम. सूची समझा? या अमन, आई थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, यस और नो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे क्वेश्चन किया था. या किया था, ठीक है, और बाकी लॉ पे भी हम लोग करेंगे, ठीक है. इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं तुमको जो पहला असाइनमेंट देने वाला हूं उस पे जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन वो कैसा आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो तुमको ना ऐसे देंगे, लेट्स से चार एग्जाम्पल्स देंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चार एग्जाम्पल देंगे इक्वेशन टाइप, और ऊपर लिखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ओबे करता है वो बताओ. क्या पूछेंगे वो लोग? चारों इक्वेशन में से बताओ कौन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करता है. तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है. एम आई क्लियर? आगे बढ़ू यस और नो? आगे बढ़ू? ओके. यहां तक क्लियर बच्चों? आई नो क्लियर तो 200% होगा, बिकॉज तुम्हारा एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सुपर्ब है यार ऋतुजा, वेरी गुड बेटा. ओके, आगे बढ़े. तो अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इसका दो नाम है, मतलब मीनिंग तो सेम है. अच्छा, प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन मतलब मात्रा, क्या क्वांटिटी, क्या अमाउंट में ऐड किया जा रहा है, वो फिक्स होना. ओके, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, बहुत बेसिक लेवल का, कि
कि मॉम लेट्स से घर में चार लोगों के लिए मॉम ने कुछ तो ग्रेवी या कुछ प्रिपेयर किया, ओके, सो मॉम नोज। हाँ महक, मैं स्टेटमेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो महक सुनो, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा होगा बट मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं और स्टेटमेंट भी वापस रिपीट करूंगा। मॉम ने, फैमिली में चार मेंबर है, चार लोगों के लिए मॉम ने खाना बनाया, ओके, चार लोगों के लिए मॉम ने क्या किया, खाना बनाया। अभी मॉम नोज कि ये ग्रेवी में एक स्पून सॉल्ट डाला, बस हुआ, चार लोगों के लिए उतना सफिशियंट है। टेल मी वन थिंग, अगर क्वांटिटी चार लोगों की जगह अगर आठ लोग हो गए, ओके, आठ लोग हो गए, आईस को क्या हो गया बच्चा, ओके, चार लोगों की जगह अगर आठ लोग हो गए तो क्या किया जाएगा, उसको क्वांटिटी सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। चलो और बड़ी पार्टी है, बारह लोग आ रहे, तो अब क्या करेगा, अब तो और क्वांटिटी बढ़ाएगा, हाँ या ना, बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट रेशियो बराबर चलता रहे, रेशियो बराबर, ऐसा ऐसा किया तो चलेगा क्या? चलो अभी बड़ी पार्टी है, बारह लोग आ रहे, तो एक किलो सॉल्ट डाल दो, सारे लोगों का थायराइड ही बाहर आ जाए, चलो ठीक है, मतलब नहीं नहीं क्वांटिटी रेशियो में, प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, हाँ या ना, क्लियर हुआ? तो मॉम नोज केमिस्ट्री वेरी वेल, भाई यहाँ देखो। सो इन दैट केस, इस कहानी का मतलब क्या है कि जब मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, इज दैट द, आई मीन आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी, क्लियर है ना आवाज? या इट्स क्लियर? ओके, कभी कभी तुम्हारा नेट डाउन होगा तो शायद हो सकता है, या मेरा नेटवर्क बीच में फ्लक्चुएट होगा तो, पर ठीक है। सो अभी ओके, अभी क्या होगा कि मुझे कांस्टेंट प्रपोर्शन, मतलब क्या कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ओके, मेरी बात समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, अभी मैं उसे कोई भी मेथड से प्रिपेयर करूं, कोई भी मेथड, यानी इफ आई वॉन्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देयर कैन बी अ मेथड C+O2 giving CO2, is that the case? आराम से सीखो, मुझे ना, मुझे सिलेबस को लेके कोई घाई नहीं है, मुझे पता है आज तुम समझ गए तो कल मैं सिलेबस को आराम से स्पीड अप कर सकता हूँ, घाई नहीं करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आर्दा O2will give what? CO2. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आर्दा O2 will give what? CO2. Very good, very good, very good. Now tell me one thing, next. मीथेन प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, ओके, और नेक्स्ट केस करते हैं, इथेन प्लस 7/2O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O, क्या मैंने बराबर लिखा है सारे इक्वेशन? चलो तुरंत कंफर्म करो, तुम्हारा इंटेलिजेंट ब्रेन जल्दी कंफर्म करेगा, कम ऑन, इक्वेशन बराबर लिखे है मैंने ये सब? यस, ऑल आर बैलेंस्ड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बात बताओ, यहाँ पर जो CO2 प्रिपेयर किया है मैंने, बच्चा लोग ध्यान से, CO2 जो मैंने प्रिपेयर किया है वो सेम रिएक्शन से आया है या अलग अलग रिएक्शन से आया है, या इज इट विद द सेम रिएक्शन और आई हैव ऑब्टेंड इट विद डिफरेंट मेथड्स? या वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अलग अलग मेथड, यस यस, ये एक एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, अब दूसरा एग्जाम्पल देना है, कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 विच इज इक्वल टू 3:8, ओके, यहां देखो 12:32 which is equal to 3:8. Is this correct, bachcha log? I hope you are not getting confused. 12:32 means 3:8. 24:64.
क्या आएगा? 24:64. सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? या एवरीबडी, क्या बात है, क्या बात है, दिस विल बी 3:8. क्लियर? एनी कंफ्यूजन किड्स? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो. अच्छा, मैं वापस समझाता हूं. ओके, यहां देखें कि दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय, ये सब नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछते हैं. ऑफकोर्स ये बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, जोसेफ फ्रॉस्ट. ओके अथर्व, आई विल एक्सप्लेन. मुझे बताओ CO2 अथर्व कितने कार्बन का बना है और कितने ऑक्सीजन का बना है? जल्दी अथर्व, CO2 कितने कार्बन का बना है? अथर्व कितने कार्बन का बना है? एक कार्बन. बराबर, एक कार्बन मतलब उसका एटॉमिक मास कितना है? अथर्व, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम. एक कार्बन 12 ग्राम होता है. अथर्व, तुमने 6 लिखा था, एक कार्बन 12 ग्राम होता है. अच्छा, नाउ टेल मी कितने CO2 कितने ऑक्सीजन का बना हुआ है? दो. एक ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो दो ऑक्सीजन कितना ग्राम हुआ? 32 ग्राम हुआ. तो 12:32 मतलब कितना होगा? 12:32 मतलब कितना होगा? 12:32 मतलब कितना होगा? 12:32, मैं टोटल मास नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कार्बन 12:32 का सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा? 3:8. यस और नो, कितना होगा सिंपलेस्ट रेशियो? 3:8. Yes or no? सभी को समझा? अथर्व अंडरस्टूड बेटा? अथर्व अंडरस्टूड? एवरीबॉडी क्लियर? 3:8 ये टर्म सिंपल रेशियो है, मतलब CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन का बना हुआ है, मतलब 12:32 मतलब कितना हो गया वो? 3:8 मतलब कितना हो गया वो? 3:8. अब मुझे एक बात बताओ, इवन लास्ट में दो CO2 बना बट रेशियो कितना था? 3:8. भाई साहब यहाँ पर CO2 मैंने अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया, भाई साहब अलग अलग मेथड. सी दिस वन, आई हैव प्रिपेयर्ड विद डिफरेंट मेथड एंड ऑल ऑफ देम गेव मी अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 3:8. ऑल ऑफ देम गेव मी अ रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट, रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट, रेशियो नहीं बदलता. क्या बात है, रेशियो नहीं बदलता. वेरी गुड. क्लियर हुआ मेरा बात? क्लियर हुआ मेरा बात? यस और नो? सो यहां पर CO2 तुम कोई भी मेथड से बनाओ, CO2 का रेशियो बदली होगा? CO2 का रेशियो बदली होगा? आंसर इज नहीं, वो नहीं बदली होगा. राइट ऑफ अ गिवन कंपाउंड कंटेन, स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है? अ गिवन कंपाउंड कंटेन, वापिस जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले, जिन्होंने लिखा है फॉलो द वर्ड केयरफुली. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, गिवन कंपाउंड मतलब कौन है अपना? CO2. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. Given compound always contains exactly the same proportion of element by weight, irrespective of its source, irrespective of its source or method of preparation, irrespective of its source or method of preparation.
गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, मतलब हमेशा ये रेशियो 3:8 होगा, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन. एग्जैक्टली, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भाई साहब तुम कहीं से भी CO2 बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, उसका रेशियो विल रिमेन 3:8. मतलब किसी ने मुझसे अर्लियर लेक्चर में एग्जाम्पल दिया कि सर टैप वाटर और ड्रिंकिंग वाटर, अरे हाँ करेक्ट, मतलब तुम वाटर के लैंग्वेज में भी बात कर सकता है, ये देखो यहाँ पर 2H2O बना है, यहाँ पर 3H2O बना है. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को 2H2O फॉर्म हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने पास 3H2O फॉर्म हुआ है. एग्जाम्पल लेट से मैं और एक अलग से एग्जाम्पल देता हूं, H2 + 1/2 O2 गिव्स H2O. क्या तुम्हारे सामने, अथर्व थोड़ा केयरफुली देखना बेटा, यहाँ पे एक H2O है, यहाँ पे ऊपर 2H2O है, ये 3H2O है. अब मुझे बताओ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, कम ऑन ट्राई. सो सबसे पहला ये वाला करते हैं, दो हाइड्रोजन मतलब 2 ग्राम, ट्रू और फॉल्स, दो हाइड्रोजन 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ग्राम इज टू 16 ग्राम, मतलब ये हो गया 1:8, ट्रू और फॉल्स. ये हो गया श्रद्धा 1:4 कैसे बेटा, श्रद्धा 1:4 कैसे बेटा, हाँ ऊपर आ जाते, रेशियो बदली नहीं होगा, मेरी बात सुनो, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 ग्राम और 2 ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम. अब कितना होगा श्रद्धा, या इट विल बी 1:8, क्या बात है, 1:8, वेरी गुड. 3 हाइड्रोजन मतलब कितना हो गया 6 ग्राम और ये 3 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया 48 ग्राम. यानी इस कहानी का मतलब क्या है, मेरी बात सुनो, इस स्टोरी का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी रिएक्शन करूं, ओके, हु वाज दैट शुचि, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर शुचि, दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर बेटा, अच्छा ओके ओके. सो मुझे एक बात बताओ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कैसे एक्सप्लेन किया था बताया सुचि, ध्यान देना. इफ इफ वन लेट्स से बिस्किट लाइक ओरियो बिस्किट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 20 रुपीज, सो द मास इज फिक्स्ड, लेट्स से 200 ग्राम का यू वेंट टू बाय ओरियो बिस्किट 200 ग्राम, तो टेल मी सुचि, if you buy it from the shop which is close to your house, to wo usne 20 rupees le diya, fine 20 rupees correct. ab main usi se kahin dur koi aur shop se buy kiya to kya uska cost change hoga ya it will be of 20 rupees only, come on suchi, it will be 20 rupees na, change nahi ho raha hai kyunki wo cheez fix hai. ओके यानी तुम कहीं से भी परचेज करो उसका कॉस्ट फिक्स रहेगा. ओके तो इधर मैं कहानी कैसे बता रहा हूं कि मुझे वाटर प्रिपेयर करने का है, तो वाटर प्रिपेयर हो रहा है अलग अलग मेथड से. ओके तो इसमें वाटर का सिंपलेस्ट रेशियो कितना होता है 1:8, वाटर का सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा
1:8. What is 1:8? हाँ, बिग बास्केट से बाय करो, बराबर बराबर, वो तुमको अलग तरीके से लूटेंगे बेटा, ओके, टैक्स लगा के तुमको वह रस्ते पे ले आएंगे बेटा, बिग बास्केट लेके, वही बास्केट लेके बैठना पड़ेगा रस्ते पे, ओके, जीएसटी सीएसटी सब लगा देंगे वो लोग। हाँ, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? या सुची, यू अंडरस्टूड बेटा, रेशियो 1:8 ये फिक्स होगा। अब मैं वाटर वो 2 moles बनाऊ या 50 moles बनाऊ, रेशियो विल रिमेन 1:8 फिक्स। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं होगा कि कुएं का पानी पिया तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था, क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इट विल रिमेन H2O। मैं प्यूरिटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केमिकल कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ। सूची जी, समझ में आया आपको? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, और कोई इंटेलिजेंट लोग, किसी को कोई डाउट? ओके, सो what I am trying to say कि भाई वाटर तुम कितने भी मोल्स बनाओ, उसका सिंपलेस्ट रेशियो विल रिमेन 1:8, करेक्ट? यस और नो? फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया मैंने, ओके, यहां देखो सूची, ये वाला लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, यहां पर रिएक्शन जब हमने किया तो हमें 2CO2 मिला, ओके ओके, 2CO2 मिला, यानी 2 carbon मतलब 24 gram, ओके, 4 oxygen हो गए सूची, 4 oxygen हो गए बेटा, मतलब 64 gram, एक ऑक्सीजन 16 होता है ना, तो 4 oxygen 64 हो गए, तो 24:64 क्या होगा? करेक्ट 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 सूची, समझ में आया बेटा? Any confusion? 1:8, 1:8, 1:8, यहाँ पे 3:8, 3:8, 3:8, ये सही होगा? Yes, 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 yes or no? Yes or no? Yes or no? Clear हुआ? Clear हुआ? Clear हुआ? Okay, very good, very good. So, 2 law अभी तक किए, दोनों लॉ पे बच्चे लोग मुझे, या सिमरन, यू हैव अ डाउट बेटा, जल्दी पूछो, सिमरन यू हैव अ डाउट? H2O2, सिमरन H2O2 का क्या लेना देना बेटा इधर? अमन, फोर्थ वाले में तीन, फोर्थ वाला किधर गया? 3 H2O बना है, ओके, 3 H2O बना है, तो 3 H2O मतलब 3 2 6 gram हाइड्रोजन है एंड 16 3 48 gram ऑक्सीजन है। अमन अमन क्लियर हुआ बेटा? अमन क्लियर हुआ बेटा? सो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8 होगा ना, 1:8 ही होगा ना भाई। अगर अगर तुम इसको कोई रिएक्शन में 10 water बन रहा है तो मैं तो बिंदास बोल दूंगा कि रेशियो विल बी 1:8। अमन, 10 water का 1:8 कैसा रेशियो आया बेटा, बताएगा? 10 water का, कमॉन कमॉन, पड़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जल्दी 1:8 कैसे आया, जल्दी? कितना हाइड्रोजन है, कमॉन, कितना हाइड्रोजन है, कमॉन, कितना हाइड्रोजन है, कमॉन? हाँ, वेरी गुड, यानी ये क्या हो जाएगा, 20:160। इसका आप मुझे बताओ सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:8। सूची समझा बेटा? सूची समझा? रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस, कौन सा ऑक्सीजन? मैं कोई एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, जैसे वाटर एक प्रोडक्ट है, CO2 एक प्रोडक्ट है, उनका कॉम्पोजिशन भाई साहब कभी नहीं बदलता, कैसे भी बनाओ। अरे एकदम सिंपल है भाई, कोई मुझे, मैंने कहा ना ग्राम ग्राम, हम मोल्स में बात कर रहे हैं बेटा, अभी हम सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरे चैप्टर में जो भी बैलेंसिंग वगैरह करेंगे वो सब के सब हम मोल की भाषा में करने वाले हैं, वो सब के सब हम कौन सी भाषा में करने वाले हैं, ओके, मोल की भाषा में। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, अभी यहाँ देखो ना, रिएक्टेंट पे कैसे अप्लाई हो सकता है बेटा,
यहाँ पर रिएक्टेंट सारे के सारे अलग है, रिएक्टेंट पे कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर रिएक्टेंट सारे के सारे अलग है तो रिएक्टेंट पे कैसे अप्लाई करोगे, समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा। ओके श्रद्धा, ओके क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके 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 ओके। सो यहाँ पर क्या क्या हो गया है, स्टेटमेंट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? यस। तो दो लॉ हो गए अपने अभी, फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कहता है बिना रिएक्शन बैलेंस किए सामने आने का नहीं वरना दौड़ा के मारेंगे, बिना रिएक्शन बैलेंस किए रिएक्शन का कैलकुलेशन शुरू करने का नहीं वरना बड़े बड़े अंडे मिलेंगे, अंडे भी नहीं माइनस वन मिलेगा, ठीक है बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ओके नेक्स्ट केस में चलते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हैं, नेक्स्ट केस में चलते हैं। सेकेंड केस हमें क्या कह रहा है, सेकेंड केस हमें क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है हमें कि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट और डेफिनेट, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, डेफिनेट मतलब फिक्स, वेरी गुड। सो यानी वो प्रोडक्ट तुम कैसा भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, मतलब अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, तुम 100 रुपए लेके मार्केट में जाओगे ठीक है और सामान तुम 500 का खरीदने की कोशिश करोगे तो दुकान वाला वो तुमको सामान देगा या कान के नीचे देगा, मतलब 100 रुपए लेके जाके 500 का सामान खरीदोगे तो दौड़ा के मारेगा कि नहीं, 100 का वैल्यू चेंज होगा क्या, 100 का वैल्यू चेंज होगा, अरे नहीं चेंज होगा भाई, इट विल बी फिक्स, कहीं पर भी जाओ 100 रुपीज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। Is that clear? Is that clear? Yes or no? Yes or no? अभी वो 100 रुपए जो है वो अंबानी के पॉकेट से निकल रहे हैं, ओके या किसी XYZ के पॉकेट से निकल रहे हैं, 100 रुपए का वैल्यू अंबानी के पॉकेट से निकला है, 100 रुपए इज इक्विवेलेंट टू 2000 रुपीज, नहीं नहीं कोई 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 ऐसी वंडरलैंड में रहो मत, उसके भी 100 रुपए का वैल्यू उतना ही है जितना हमारे 100 रुपए का वैल्यू है। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट लॉ, ठीक है। आई होप, देखो स्टेटमेंट के साथ साथ सीखना है तुमको, जब क्वेश्चन दूंगा ना तो क्वेश्चन में कई कई जगह उस क्वेश्चन में मैंने ऐसे भी पूछा है कि डेफिनेशन बताओ क्या है, स्टेटमेंट बताओ क्या है, आई हैव आस्क्ड मेनी प्लेसेस, आई हैव आस्क्ड दिस थिंग। ओके नेक्स्ट केस पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गिव द हेडिंग, थर्ड लॉ पे चलो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, बार बार हम रिविजन करेंगे। वट इज द बेस्ट पार्ट, यू नो रिजल्ट आने का एक ही फॉर्मूला है कि बार बार रिविजन करो। ओके सर ने पढ़ा दिया, घर पे रिवीजन करो, क्लास शुरू होने पे रिवीजन करो, वेरी इंपॉर्टेंट की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल मतलब क्या, उन्नति एग्जाम्पल्स यही है बेटा, सेकेंड लॉ पे एग्जाम्पल ऐसे प्रॉपर जैसे फर्स्ट लॉ पे सम्स किए थे इस पे नहीं है, इस पे सिर्फ एग्जाम्पल्स है। ओके इस पे सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके मल्टीपल मतलब बहुत सारे, लाइक आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, मान लो तुमने पोटैटो इन्वेंट किया, ठीक है पोटैटो, चलो मतलब पोटैटो बोला तो मैगडी याद आता है, मैगडी का लाइक मैग वेजी वगैरह है ना, बहुत मिस करते हैं भाई उसको, मतलब वो जो स्मेल होता है, मतलब एकदम अजीब एक फ्राइज का स्मेल, एक अच्छा सा मैगडी में अंदर जाओ तो वाह 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 क्या स्मेल आता है। चलो वो पोटैटो की बात करते हैं, ओके हाँ 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 वो मैं बताता हूँ गायत्री, डोंट वरी। सो व्हाट यू थॉट कि अपने पास सोर्स तो एक ही है, लेट्स से पोटैटो, अब मैं इसको अलग अलग तरीके से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के बेचूंगा,
तो फायदा है या नहीं है, फायदा है या नहीं है। अभी तुम सोचो, द वन हु सेल्स पोटैटो अर्न्स कितना, एंड द वन हु सेल्स पोटैटो से बनाया हुआ प्रोडक्ट, लेट इट बी वड़ा पाव, लेट इट बी फ्रेंच फ्राइज, लेट इट बी मैकडी, फायदा ही फायदा है भाई। यस अमन, यस यस यस। तो हमें हमेशा क्या सोचना है कि हमें पोटैटो के कैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हमें उस पे ज्यादा सोचना है। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? चलो, एम आई क्लियर विद दिस? यस यस यस, वेरी गुड। यानी मैं यहां पर ना कुछ दो लोगों को मिक्स करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, दो लोगों को मिक्स करके पहले पहले लॉ समझ लो, घाई नहीं करना है, घाई नहीं करना है, पहले दोनों लॉ समझ लो। क्या है ये कि मैं कार्बन को, जिसका मास है 12 ग्राम, उसको मैंने हाफ ओ टू से रिएक्ट किया, तो ये क्या हो गया, CO, ये हो गया गैस। ऑफ कोर्स ये सब गैस ही है, ठीक है। हाफ ओ टू का वजन बताओ कितना है, हाफ ओ टू का, कम ऑन, क्या मैथ्स है, सुपर मैथ्स है, जल्दी बताओ। हाफ ओ टू, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन, या 16 ग्राम, या वेरी गुड वेरी गुड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। बच्चों, कार्बन फिर से फिक्स है 12 ग्राम, इसको मैंने O2 के साथ रिएक्ट किया विच इज 32 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, एनी कंफ्यूजन किड्स? बुशरा, मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया बेटा अभी तक। ओके, मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया बुशरा, सिर्फ इतना बताओ बेटा, इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो तुमको समझा या नहीं समझा, अभी तक मैंने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। इशिता, ओके, इक्वेशन बराबर लिखा है या नहीं लिखा है, उतना बताओ, बाकी छोड़ दो, बाकी तो अभी एक्सप्लेन करना बाकी है। या अद्वे, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कंटेनर में कार्बन रखा, ओके, मतलब मेरे सामने ऐसे दो कंटेनर है, एक कंटेनर में कार्बन रखा 12 ग्राम, दूसरे कंटेनर में भी कार्बन रखा 12 ग्राम, ओके, ध्यान से सुनो, एक कंटेनर में कार्बन रखा 12 ग्राम, दूसरे कंटेनर में भी कार्बन रखा कितना ग्राम, 12 ग्राम, इज दैट क्लियर? या अब पहले कंटेनर में, बुशरा ध्यान से सुनना बेटा, मैंने हाफ ऑक्सीजन डाला, टक, हाफ ऑक्सीजन मतलब कितना ग्राम, बुशरा योर टर्न, हाफ ऑक्सीजन मंजे कितनी ग्राम, हाफ ओ टू रे बाबा, ओ टू इज 32, उसका हाफ 16 ग्राम, ओके, सो एक में मैंने हाफ ओ टू डाला मतलब 16 ग्राम डाला, दूसरे में मैंने पूरा ओ टू डाल दिया, पूरा O2, तो वो बन गया CO2, पहले वाले में बना CO, दूसरे वाले में बना CO2, पहले वाले में बना CO, दूसरे वाले में बना CO2, am I clear? Yes or no? Yeah, Abushra, you can hear me? Okay, मुझे बात बताओ, दोनों में सेम प्रोडक्ट आएगा या अलग अलग प्रोडक्ट आएगा? चैतन्य, वो सब मैं बताता हूँ बेटा, पहले पहले एग्जाम्पल पे फोकस करो, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। अलग अलग प्रोडक्ट ना, मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, लेट्स से मतलब ऑमलेट बनाने की कोशिश करते हैं, ओके, ऑमलेट बनाने की, तो कुछ लोग पूरा फुल ऑमलेट बना के खाते हैं और कुछ लोग हाफ फ्राई खाते हैं, सुना है मैंने, सुना ये चीज क्या है, हाफ फ्राई खाते हैं, तो अच्छा मुझे बताओ, ये ऑमलेट बनाने के लिए पूरा दोनों में एक एक एग लगने वाला है, हाँ या ना, मुझे बताओ, भले तुम हाफ फ्राई बनाओ या फुल ऑमलेट बनाओ, दोनों में एक एक एग लगेगा, यस और नो? ये क्लियर?
लेकिन दोनों में क्या ऐसा अलग किया कि एक पूरा रेडी हो गया और दूसरा हाफ फ्राई हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, उसको उसको हीट कम दिया, उसको हीट कम दिया, ओके हाँ या ना? लेस एनर्जी गिवन, यानी एक को ज्यादा एनर्जी दोगे तो पूरी तरह पक जाएगा, एक को कम एनर्जी दोगे तो शायद वो थोड़ा ही पकेगा, हाँ या ना? हाँ बराबर ईशान, दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट दैट्स करेक्ट। देखो बच्चों, एक ध्यान में रखो, ये आईआईटी क्रैक करना, नीट क्रैक करना या अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करना, ये कोई भी ऐसा इजी टास्क नहीं है या डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। उसका सिर्फ एक ही की है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, वो एग्जाम में वो लोग वही क्वेश्चन पूछेंगे ना, उसी तरीके से पूछेंगे, लेकिन वो लोग उस कंसेप्ट को बदल नहीं सकते। वो क्वेश्चन भले कुछ भी पूछे, बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन कंसेप्ट तो नहीं बदल सकते ना वो लोग। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो प्लीज बेसिक पे फोकस करें एंड डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने ये 10th वाला माहौल निकाल दो, जहां पर ऐसा होता था कि अरे भाई देखा देखा हो, ये तो इजी था, फिर वहां पे गाना गा गा के डेफिनेशन सिखा दिया, यहाँ कितना गया किसको पता, बट डेफिनेशन याद है बट यहाँ कितना गया वो नहीं पता। अभी ऐसा नहीं, अभी उल्टा करो, हर एग्जाम्पल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, शायद वो 4 बार में दिमाग में घुस जाए, 5 बार में या 10वीं बार में घुसे, उसे उसको उतना टाइम दो। मगिंग अप बिल्कुल नहीं करो। यस श्रद्धा, दैट्स करेक्ट, क्योंकि अगर तुम मग अप किए तो तुम फंस जाओगे, तुमको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने वाले, तो वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं। एग्जाम में रटने वाले पोपट तो बहुत सारे जाते हैं भाई एग्जाम देने, बट वो वही लोग होते हैं जिन जो लोग क्रैक नहीं कर पाते, और जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वो पक्का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, दैट टू विद अ गुड स्कोर। ठीक है, सो प्लीज 10th वाला जो माहौल है वो निकालो कि अब मगअप कर लेंगे चल जाएगा। नो, टेक योर टाइम, मेरी तरफ से टाइम लिबर्टी होगी, तुम पूछो, लेकिन फियर नहीं, और कुछ नहीं समझा, अरे वो डर तो इनिशियली लगता ही है। ठीक है, या मगिंग कंसेप्ट इज डिगिंग ग्रेव, या क्या बात है आकाश, तुम शायर हो गया यार, सही है एकदम। चलो, या तो डर डर के भागना नहीं, डरना नहीं है, उसको बिंदास लड़ते रहो, एंड आई एम टेलिंग यू 200% कि तुम लड़ते रहो, वो जो कंसेप्ट, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो चुपचाप इजी हो जाएगा अपने आप। ओके, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स मतलब कार्बन और दूसरे कंटेनर में कार्बन, ठीक है, ओके, कार्बन और दूसरी तरफ कार्बन, ओके, या एक्चुअल सिलेबस मतलब यही है, बट हम लोग अभी क्या कुछ ऐसे कंसेप्ट कर रहे हैं जो 1 जून से ऑफकोर्स शुरू हो रहा है, तो हम कुछ ऐसे कंसेप्ट कर रहे हैं जो अपने एक्चुअल कंसेप्ट में भी पूछे जाएंगे और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज भी होंगे। हाँ बराबर बराबर। चलो, सो एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, क्योंकि चैप्टर्स ना बहुत कनेक्टेड है बच्चों, अपने को 10th स्टैंडर्ड में ना चैप्टर्स का कनेक्शन दिखता नहीं था या समझता नहीं था, क्योंकि हम उतना उसे कंसेप्चुअल लेवल में नहीं जाते थे, बट यहाँ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज कनेक्टेड विथ अदर चैप्टर, इट्स लाइक अ प्रॉपर थ्रेड, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो मोल अच्छा होगा तो कोई और चैप्टर स्ट्रांग होगा, वो चैप्टर स्ट्रांग होगा तो उसके बदले कोई और चैप्टर स्ट्रांग होगा, दे आर इन कनेक्शन। सो कोशिश ये करना है कि जितना हो सके डरना नहीं है। आई एम योर, तुमको डाउट है बिंदास पूछो, पटक पटक के मारेंगे डाउट को, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस एग्जाम्पल में कार्बन का मास फिक्स है या अलग अलग है? फिक्स है, बराबर बराबर। आई वॉन्ट सभी से इंटरेक्शन है बच्चों, सभी से इंटरेक्शन। ओके, 4 लोग जवाब देंगे, मैं क्यों दूं? ये नहीं करना है भाई, लेजी नहीं होना, इट्स फिक्स, 12 ग्राम 12 ग्राम, ये फिक्स है। अब मैंने
इसको ऑक्सीजन, दोनों एग्जाम्पल में ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का मास फिक्स है या ऑक्सीजन अलग अलग है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिताली, ऑक्सीजन बेटा एक 16 ग्राम है और दूसरा 32 ग्राम है, बराबर बराबर, यस, दोनों दोनों अलग अलग है, एक 16 ग्राम है और दूसरा 32 ग्राम है। नाउ टेल मी वन थिंग, ये सब तो ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, इसका फिक्स था, ये अलग अलग है, तो मुझे सेम प्रोडक्ट मिला या अलग अलग प्रोडक्ट मिला? मुझे अलग अलग प्रोडक्ट मिला या सेम प्रोडक्ट मिला? यानी यानी इस कहानी का मतलब क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, स्टोरी ध्यान से समझे, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, व्हेन द डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन और कार्बन को मैंने रिएक्ट करवाना है, बट उसमें अगर मैंने ऑक्सीजन का क्वांटिटी अलग अलग कर दिया तो क्या मुझे सेम प्रोडक्ट आएगा या मुझे अलग अलग प्रोडक्ट आएगा? यस, यू हैव एनी डाउट बेटा? या डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट 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 एन ऑडियंस भाई, टू गुड टू गुड, अलग अलग प्रोडक्ट आएगा, ओके अलग अलग प्रोडक्ट आएगा, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग अलग हो गई, ओके ऑक्सीजन की क्वांटिटी अलग अलग, कार्बन की क्वांटिटी अलग हुई क्या, कार्बन की क्वांटिटी अलग हुई क्या, एवरीवन, कार्बन की क्वांटिटी अलग हुई क्या, कार्बन कार्बन 12 ग्राम 12 ग्राम नहीं हुई, यस यस। अगला 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 सवाल, अगला एग्जाम्पल, हाँ ध्यान से, फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा, फिर मैं स्टेटमेंट दूंगा, अगले पॉइंट पे आते हैं। Is this fine? अब मैं क्या कर रहा हूं, H2 गैस की क्वांटिटी सेम रखा हूं, ये जो G लिखा है ना ब्रैकेट में, उसका मतलब गैस, H2O लिक्विड, L मतलब लिक्विड, ओके ओके, या या, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, तो H2 प्लस O2 गैस गिव्स मी H2O2, हाइड्रोजन O2 और ये H2O2, ओके लिक्विड फॉर्म, जिसको पैक करके रखा जाता है क्योंकि ये तुरंत एस्केप करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास फिक्स है? एवरीवन, कितना हाइड्रोजन यूज किया? अनन्या, यू हैव एनी डाउट बेटा, क्या हाइड्रोजन का मास फिक्स है? या दैट्स करेक्ट, इफ द रिएक्टेंट वेरी, रिजल्टेंट विल ऑल्सो वेरी, तो ये कितना ग्राम है? 2 ग्राम 2 ग्राम। अच्छा, ये दोनों क्या फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं या अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहे हैं? डिफरेंट, यस, वेरी गुड। फर्स्ट वाला कितने ग्राम से कंबाइन हो रहा है? 16 ग्राम। दूसरा वाला 32 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो प्रोडक्ट आया वो सेम आया या अलग अलग आया? अलग अलग आया। बुशरा, यू आर देयर बेटा, प्लीज रिवर्ट, समझ में आया यहाँ तक? बुशरा प्लीज रिवर्ट, समझ में आया बेटा यहाँ तक? ओके, यानी किसी भी फिक्स मास वाले के साथ अगर अलग अलग अमाउंट में ऑक्सीजन दोगे तो तुम्हें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेगा। किसी भी फिक्स्ड मास वाले के साथ अगर तुम अलग अलग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दोगे तो तुम्हें मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेगा। H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इज दिस क्लियर? H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इज दिस क्लियर? ओके, लिखा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी मैं स्टेटमेंट देता हूं, ओके फिर मैं इस एग्जांपल को फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और नॉट ओनली विथ ऑक्सीजन, ये मैं किसी के भी रेशियो की बात कर रहा हूँ, किसी भी रेशियो के साथ बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली ऑक्सीजन, तुम किसी के साथ भी रिएक्शन जब करोगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी हो सकता है भाई,
नाइट्रोजन N2 हाफ O2 के साथ कंबाइन हो तो N2O बनेगा, N2 दो O2 के साथ कंबाइन होगा तो N2O4 बनेगा. इज दैट क्लियर? वन ऑफ देम शुड बी फिक्स्ड, दूसरा वेरी होगा तो उसकी वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे. करेक्ट? यस और नो? करेक्ट. नॉट फॉर दिस, जिनके रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब ऐसे नहीं बात कर रहा हूं कि सोडियम सोडियम आयन बन गया. मैं क्या कह रहा हूं, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं. या सूची, दैट्स करेक्ट. एक हाइड्रोजन एटम इज 1 ग्राम, सूची, दैट्स करेक्ट. जोसेफ प्रोस्ट का स्टेटमेंट दिया ना मैंने, लिखा नहीं, गिवन कंपाउंड एग्जैक्टली जोसेफ प्रोस्ट वाला, मतलब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा, ये जो था लॉ ऑफ सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट नहीं लिखा. या मैं पहले सेकेंड लॉ वापिस लिख लो, सेकेंड लॉ जिन्होंने मिस किया, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, ये सेकेंड लॉ बता रहा हूं, थर्ड लॉ नहीं है. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, दूसरा लिख लो बेटा, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट. दिस इज सेकेंड लॉ, बाकी लोग रिवाइज करें. गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट irrespective of its source or method of preparation. Irrespective of its source or method of preparation. अभी जैसे वॉटर तो वॉटर है, H2O, 1:8, 1:8. अब वो घर का वॉटर हो या पानीपुरी वाले का. अभी पानीपुरी खाते वक्त कभी तुमने ऐसा बोला है कि नहीं भाई पानी का सोर्स बताओ? नहीं, यू डोंट बॉदर अबाउट कि वो कहां से लेके आया है. इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स यू ईट बिंदास एकदम, वो उसके गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से बनाया हुआ पानीपुरी एकदम गपागप खाते हो. हाँ या ना? खाने से मतलब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? या खाने से मतलब है. उसने भले उसके गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ उसने धोए भी ना हो, तभी भी वो अच्छे से, उसके नेल्स भले गंदे गंदे प्यारे प्यारे हो, तभी भी वो उसी में पूरी को अपने डिप, फिर पानी में डिप करता है ये, और फिर, और उसमें सबसे बेस्ट चीज क्या होता है पता है, जब वहां वो, अभी तो बहुत साल हो गए यार, मतलब ऐसे स्टॉल पे खाए हुए, लेकिन वहां पे सबसे बेस्ट होता है, सॉरी गर्ल्स लेडीज, बट लेडीज लोगों का एक्सप्रेशन भाई, वो लोग मतलब बेचारों का छोटा छोटा मुंह और बड़ी बड़ी पानीपुरी रहती है, और वो भाई साहब इतनी गाई में रहता है कि दना दन बना के देता रहता है. तो वो लोग बेचारे तो दो तो उनके प्लेट में ही रहते हैं, और एक मुंह में होगा चबाते रहते हैं, और एक वो पानीपुरी वाला होल्ड करके बैठा रहता है. मतलब वो इतना फास्ट रहता है, कभी कभी वो, मतलब हम भी खाते रहते हैं तो कभी वो फटाफट देता रहता है. मैं उसको बोल ही देता हूँ, भाई तू एक काम कर, तू प्लेट में रखने की भी मेहनत क्यों कर रहा है, इतना स्पीड में कर रहा है, तू आ करता हो तू मुंह में ही भर दे भाई बस. तो उसके गंदे गंदे प्यारे, अभी वैसा घर में बनाने की कोशिश करो, यू विल नेवर गेट दैट टेस्ट, यू नो. बट वो जब वो अपने गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों से बनाता है ना, तो वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या टेस्ट आता है, वेरी गुड. चलो देखो, सबको क्रेविंग, यस. अच्छा, और एक डिश है जिसमें एक्चुअली ग्रेविटी काम करती है, तो आई डोंट नो. और यहाँ पे ना मुंबई में एक जगह है बोरीवली में है, विले पार्ले में है, कहीं बहुत सारी जगह पे, वहां पे वो जो बंदा है ना पाव भाजी बनाता है, वो ऐसे खड़े होके, मतलब ऐसे स्मैश करते रहता है पाव भाजी. ओके, सो अलग ही लेवल का है भाई वो. उसमें अलग कंसेप्ट है. जाने दो, तुम लोग तो यार फिर खाना बंद कर दोगे. उधर भी गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों का बना हुआ पाव भाजी रहता है, ठीक है. चलो, नो कमेंट. खैर, वहां पर फर्क क्या पड़ता है, वो तो इतने अच्छे से स्मैश कर देता है कि अपने को पता ही नहीं चलता है उसमें गंदगी कैसे आ गई.
नियर इंद्रप्रस्थ है, नियर बोरिवली स्टेशन वो स्काईवॉक के नीचे है, बहुत बहुत सारे, ठीक है। सो जाने दो, मतलब वो बेचारा, अभी इमेजिन करो, इमेजिन करो क्या होता है, मतलब लोग लोग मतलब वो इतनी गर्मी में काम कर रहा है, फुल स्वेट 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 फुल स्वेट स्वेट, और वो हैंडल पकड़ के, अभी उसका हाथ का एंगल ऐसे रहता है कि ग्रेविटी विल ड्रैग द स्वेट टुवर्ड्स द ओके चलो नो 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 नो, कैसे ये सब क्या सोच लिया तुमने, शी 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 शी, अच्छा मतलब प्यारे गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों वाला तुम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्ट धनंजय भारी भारी था, सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई इसलिए वो कम नमक डालता है उसको, शी 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 शी, कैसी बातें कर रहे हो, कैसी मतलब तुम लोग सर को खराब कर रहे हो दिन ब दिन, शी 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 शी, नेचुरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्ट, क्या क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मतलब तुम लोग मुझे खराब कर रहे हो, बहुत बुरा बना रहे हो तुम लोग मुझे, तुम लोग ऐसे संगत का असर पड़ता है। तो हम गंदे गंदे प्यारे प्यारे कैसे हो सकते हैं, मतलब उसमें वही तो स्ट्रेटजी है ना, तुमको समझना है गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब अगली बार पानी पूरी पाव भाजी खाते वक्त ना जरूर देख लेना गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ कैसे होते हैं। और भाई सबसे गंदी ट्रेजेडी तो ये है, पाव भाजी खाने के बाद यू आस्क फॉर द एक्स्ट्रा पाव, देन देयर इज अ कपड़ा, आई मीन देयर इज वन कपड़ा केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो वो दुकान वाले ना बहुत अच्छे होते हैं यार, वो लोग ना क्या करते हैं, गर्मी होती रहती है ना, तो वही कपड़े से वो लोग पोंछते हैं और साइड में रखते हैं, ठीक है। फिर अभी वो कितनी देर से स्मैश करेगा, तो लेफ्ट हैंड से स्मैश करता है, सपोज तुमने पाव मांगा एक्स्ट्रा पाव तो वो वही कपड़े को हाथ लगाया था, वही कपड़े से पाव उठाएगा, सेक के दे देगा, लेकिन गर्म करके देता है, मतलब पैथोजेंस मार के देता है वो। चलो बैक टू द डिस्कशन, भाई मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तुम लोग मुझे खराब कर रहे हो धीरे धीरे। चलो चलो थर्ड लॉ पे आ जाते, कैसी कैसी गंदी गंदी बातें करते हो तुम लोग, शी 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 शी, खराब कर दिया सर को, राइट ऑन कीशा, मैंने किधर बोला भाई कुछ भी, राइट ऑन या वैष्णो, दिस लॉ वॉज प्रपोज बाय डेल्टन, थर्ड लॉ, नॉट दैट पाव भाजी और पानीपुरी वाला लॉ। हाँ मुग्धा देखो, मुग्धा और ब्लैकमेल कर रही है, मुग्धा इज लाइक सर रिकॉर्डिंग चालू है अरे ये तो तुम्हारे दिए हुए एग्जाम्पल से, मतलब वॉइस इज ब्रेकिंग नहीं ना, अरे खाने से पहले कुछ सोचने का नहीं, क्या होता है आंख बंद करके खा लेने का, किसी को नहीं, कौन देखा ऐसा करने का, ठीक है, कुछ नहीं होता बेटा। हाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, बटर की कहानी अलग ही है भाई, डोंट एक्टिवेट मी, मैं पहले बोल रहा हूं वरना टॉपिक पूरा खाने के इसमें चला जाएगा, ओके, मास्टर क्लास से मास्टर शेफ में जाना पड़ेगा, ऑलरेडी एक बच्चे ने रिकमेंड कर दिया मुझे ओके जाओ जाओ जाओ, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं। चलो इफ टू एलिमेंट्स या आई एम ग्रेट फूडी और हाइजीनिक फूड, नॉट गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों वाला, राइट ऑन, इफ टू एलिमेंट्स नाउ फोकस, कार्बन ऑक्सीजन की कहानी चल रही है, ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कहानी चल रही है, लॉकडाउन के बाद तो खाना ही है भाई, वो सब मोम आया है, कुछ लोग तो लॉकडाउन के बाद उस पानीपुरी वाले के हाथ चूमेंगे कि भाई बहुत मिस किया ये गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथ, ओके, इवन पाव भाजी, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म, इफ टू एलिमेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन, ओके, मुझे डाइवर्ट मत करो, ओके, मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन, If two elements combine to form more than one compound, multiple products बन रहा है, देखो, if two elements can combine to form more than one compound, जल्दी बच चलो, if two elements
can combine to form more than one compound. Comma, the masses of if two elements combine to form more than one compound, comma, the masses of one element, the masses of one element, मतलब मैं oxygen की बात कर रहा हूँ, 16 gram, 32 gram, the masses of one element which combines with fixed mass of other element, the masses of one element which combines with fixed mass of other element, the masses of one element, ya Priyank. If two elements can combine to form more than one compound, if two elements, carbon oxygen, they combine to form more than one compound, if two elements can combine to form more than one compound, if two elements can combine to form more than one compound, comma, the masses of one element ये रब करना पड़ा. इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कॉमा, the masses of an element which combines fixed mass of other element. Bushra dikh raha hai beta? आर इन अ रेशियो ऑफ ओके बुशरा या क्षितिज आई एक्सप्लेन बेटा आई एक्सप्लेन डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन बाकी है ओके Hold on. Dalton law was proposed by Dalton. Okay, if two elements can combine, मतलब carbon oxygen आपस में combine होके multiple products देंगे. अरे या वेट मैंने म्यूट किया था रुको. सो दो जन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. कौन रिएक्ट कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन. क्लियर हुआ? यस और नो? तो कार्बन 12 ग्राम 16 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम 32 ग्राम. तो कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होगा? मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे.
मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्लियर हुआ? यस और नो? यस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएगा। सो कार्बन 12 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके। सो 12, 12, 16, 32। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। व्हेन द मासेस, बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन पे फोकस करना ध्यान से, एकदम तेज नजर। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ एन एलिमेंट, ध्यान से किसकी बात कर रहे हो भाई, किसकी? मासेस ऑफ एन एलिमेंट मंजे कौन? ऑक्सीजन। मासेस ऑफ एन एलिमेंट मंजे कौन? ऑक्सीजन। मासेस ऑफ एन एलिमेंट मंजे कौन? ऑक्सीजन। समझ लो कि ना समझ लो, समझा या नहीं समझा? ऑक्सीजन पे फोकस। मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मासेस ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ओके, फिक्स्ड मास कौन है? जल्दी बताओ फिक्स्ड मास कौन है? अरे कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में आ रहा है कंबाइन करने, ऑक्सीजन अलग अलग रेशियो में आ रहा है कंबाइन होने, परंतु कार्बन का मास फिक्स है, हाँ या ना? इसके कारण मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट मिले, यस और नो? तो ये जो वेरिएबल मासेस वाला ऑक्सीजन है उसका रेशियो कितना है? 16:32, 16:32 मंजे 1:2, यस और नो? श्रद्धा जी क्या बात है, चौका मार दिया श्रद्धा जी, संजीवनी करेक्ट, श्रद्धा करेक्ट, यस। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? जल्दी बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो। 1:8, अमन भाई भाई अटैक मत दे अमन यार, 1:8 कैसा हो गया यार अमन यार, ऐसा दिल मत तोड़े यार मेरा अमन। 16:32 1:8 कब से होने लगा भाई अमन? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन वापिस डेफिनेशन घाई नहीं करने का, आराम से चलेंगे बट एकदम मस्त चलेंगे। क्या है, नहीं तो अपने को इधर गड़बड़ किया ना तो अपने भी गंदे हाथ, प्यारे प्यारे हाथ फेमस हो जाएंगे, तो इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। द मासेज ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, द मासेज ऑफ एन एलिमेंट, फोकस सिर्फ ऑक्सीजन पे, मासेज ऑफ एन एलिमेंट मंजे कौन? इसका वेरिएबल मास। मासेज ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। बहुत सिंपल छे, समझा या नहीं समझा? स्मॉल तिशा, स्मॉल होल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं ना, सबसे सिंपल रेशियो में, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में रखने का, सबसे स्मॉलेस्ट तिशा, समझा बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट, नहीं तो ये देखो ना तिशा, मेरी बात सुनो बेटा, इसको मैं 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा क्या फर्क पड़ेगा? 4 कार्बन 4 O2 4 CO2, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 कार्बन 10 O2 10 CO2, क्या फर्क? अरे तुमको जो नंबर से बैलेंस करना है करो, और उसको इनटू जितना करना है करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, समझा?
समझा, मतलब क्या है मुझे एक बात बताओ, एक आदमी के लिए एक शुगर, एक एक टीस्पून शुगर डालो, ओके अजीब है ना, टीस्पून शुगर नहीं, एक स्पून शुगर डालो, ठीक है, दो आदमी है तो दो स्पून डालो, तीन आए तो तीन डालो, चार आए तो चार डालो, हो गया ना, रेशियो तो सेम रहेगा। या ओम क्या बात है, ओम एकदम रैंकर है, एकदम टॉप रैंक आने वाला है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना होएगा, सिंपलेस्ट रेशियो कितना होएगा, यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, बच्चा लोग समझा क्या? हाँ, इट्स कॉमन सेंस, मतलब ऐसा नहीं होता बेटा, अपने को स्कूल में बैलेंसिंग करना कैसा सिखाया पता है, अपने कॉमन सेंस की बैंड कैसे बजाई वो देखो, और गलत नहीं सिखाया, इट्स नॉट रॉन्ग, इसी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करने को सिखाया देखो, टू कार्बन प्लस ओ टू गिव्स टू सी ओ, तिशा ये इक्वेशन ये मैंने लिखा है, ये स्कूल में सिखाया है, तिशा ध्यान से देखो बेटा, इसमें से सिंपलेस्ट रेशियो वाला कौन सा है, ब्लू वाला या ब्लैक वाला? अमन मैं बताता हूं बेटा, ब्लू वाला, ब्लू वाला जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो है, ब्लू ब्लू, ये सिंपलेस्ट रेशियो, ये इट्स नॉट अ सिंपल फॉर्म, इट्स नॉट द सिंपलेस्ट वन, अंडरस्टूड? तो जब भी हम आज के बाद कभी भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे ना, उसको सिंपलेस्ट रेशियो, तुमने देखा है कभी भी जो कुकिंग शो आता है ना, कुकरी शो आता है, उसमें वो लोग ने कभी ऐसा बनाया कि आज हम 100 लोगों के लिए खाना बनाएंगे? अरे नहीं नहीं, वो लोग बोलते हैं आज हम 2 लोगों के लिए या 1 लोगों का डिश बनाएंगे, वो लोग क्वांटिटी भाई बड़ा बड़ा गैलन लेके बैठते नहीं है कि 100 लोगों का लंगर में खाना बनाएंगे, अरे नहीं, वो लोग एक आदमी के हिसाब से बनाते हैं, तो उन्होंने अगर उनके कुकिंग शो में बोला ना कि एक आदमी के हिसाब से एक स्पून शुगर डालो, तो अपने को 100 आदमी जब रहेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, 100 स्पून शुगर डालेंगे, हाँ या ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस एवरीबॉडी क्लियर? इसलिए हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो रखना है। अमन 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 वापिस मैं समझाता हूं कि मैंने कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करके मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिले, ओके ओके, नेम ऑफ द लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आजो मल्टीपल प्रोपोर्शन छे ने, आजो अहीं जो आछे कार्बन मोनोऑक्साइड, आछे कार्बन डाइऑक्साइड, इते बगा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपोर्शन क्या है, क्लियर हुआ, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, या सो इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अमन फॉर यू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O H2O2 बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। अमन यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अमन यहां तक क्लियर हुआ? मुझे एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी तो अपने को पता है, कार्बन की वैलेंसी फिक्स है, ओके या फोर, अगर मैं उसको आधा ऑक्सीजन दूंगा तो क्या उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, क्या उसको भरपेट ऑक्सीजन मिला, अरे मैंने जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो दिया ही नहीं, आधा ही दिया, आधा तो वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बना, जितना चाहिए था उसका हाफ दिया मैंने सिर्फ, दूसरे केस में उसको भरपूर दिया। अमन यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा? अमन दिस इज फॉर यू, तुम्हारा डाउट था, तो सी प्लस ओ टू गिव्स दिस सी ओ टू। अब कार्बन का वेट तो फिक्स है अमन, 12 ग्राम 12 ग्राम फिक्स है बेटा, कार्बन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन कार्बन को जो हाफ ओ टू दिया उसका वेट है 16 ग्राम, जो पूरा O2 दिया उसका 32 ग्राम, तो ये जो 16 और ये जो 32 है उसका रेशियो क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा ऑक्सीजन रेशियो, ऑक्सीजन कितना होगा 16:32, दैट मींस इट इज 1:2, सिंपल स्मॉल होल नंबर, या ओम दैट्स करेक्ट, इन सेकेंड केस ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट था कार्बन को
जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था वो भरपूर दिया, या 1:2:16। अमन समझा बेटा? अमन डाउट है या क्लियर हो गया? अभी यहां पर देखो इस वाले एग्जाम्पल में, ये ब्लैक वाले में, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ओके लुक एट दिस केयरफुली और मुझे बताओ हाइड्रोजन और H2 ये दोनों का वेट कितना होगा? अमन यू आंसर, कम ऑन डोंट हेजिटेट। टू ग्राम, टू ग्राम होगा, बराबर ना? दोनों का वेट सेम है, H2 मतलब 2 ग्राम। अमन H2 है, H2 2 ग्राम होता है, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन 2 ग्राम, ये भी 2 ग्राम, तो ये फिक्स मास हो गया। इसका ऑक्सीजन का वेट क्या होगा अमन? हाफ O2 मतलब 16 ग्राम, फुल O2 मतलब कितना? 32 ग्राम। तो अमन हम लोग फिक्स्ड वाले का रेशियो लेंगे या वेरिएबल वाले का रेशियो लेंगे? तिशा AMU ग्राम अभी हम लोग AMU में यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ग्राम में यूज करेंगे, हम लोग वेरिएबल वाले का रेशियो लेंगे, क्योंकि इसके कारण, इसके वेरिएशन की वजह से मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट मिला ना। अंडरस्टूड? सो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1:2:2। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ गाइस? अरे इतना भी बेसिक ये मत पूछो यार, ऑर्डर है नहीं है ये सब है। सनिका, सनिका बेटा डाउट लिख रहे हो या एबीसीडी लिख रहे हो? हाँ मुझे एबीसीडी आता है बेटा। अच्छा थर्ड लॉ मल्टीपल, जरा देखो, व्हेन मासेज ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, मासेज ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, मासेज ऑफ टू एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, इनका रेशियो इज होल नंबर रेशियो। ओके अनीशा, होल नंबर 16:32, 1:2, 1:3, 1:4, ऐसा। क्लियर हुआ सभी को? तीसरा लॉ समझ में आया? मुझे सभी से कंफर्मेशन चाहिए वरना सर दौड़ा के मारेंगे, नहीं नहीं सॉरी सॉरी पानीपुरी वाले के पास ले जाएंगे, गंदे गंदे प्यारे प्यारे हाथों वाला। समझा? ओके एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? या क्लियर क्लियर? ओके सो अभी आज के उसमें हम लोगों ने थर्ड लॉ एडिशनल किया, आराम से जाएंगे बट लॉ एकदम परफेक्ट कर लेंगे। या दैट्स करेक्ट ओम। ओके जीरो का तो खैर यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा ना बेटा, ओम जीरो का अगर कोई है ही नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा? या किशा? यस यस ओके चलो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ओके अगले सेशन में मिलते हैं, टाटा बाय बाय टेक केयर। ओके और प्लीज रिवीजन करना। हाँ अरे पानीपुरी वाले के हाथों का दर्शन जरूर मिलेगा, जरूर जरूर। बाय बाय किड्स, बाय टेक केयर, रिवाइज करो। अरे गुजराती क्यों नहीं आ सकती भाई? गुजराती जो मुंबई में रहते हैं तो हमको गुजराती भी आती है, मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, लकीली इंग्लिश भी आती है, ठीक है? हाँ और साउथ इंडियन पिक्चर देख के धीरे धीरे अब साउथ भी आने लगेगा। ओके बाय किड्स, आओ जो टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय टेक केयर, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, बाय टेक केयर, आओ जो बाय 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 टेक केयर। पुनः भेटू, लवकरच भेटू, बाय बाय टेक केयर, बाय किड्स, बाय।